हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं और लाया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। और एक बात, हाँ, इस वीडियो के कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से हैं, हमारी ये कहानी देख रहे हैं कौन से शहर से हैं आप, जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु एक राजा के राजमहल गेट पर आया और उसने द्वारपाल से बोला कि जाओ राजा से कहो कि उनका एक भाई आया है। तब वो द्वारपाल सोचा कि हो सकता है कि कोई दूर का रिश्तेदार हो राजा का, जो कि सन्यासी भेष धारण कर लिया हो और सन्यासी के भेष में रह रहा हो। वह द्वारपाल अंदर गया और राजा को ये सारी बात बताई कि द्वार पर एक साधु आया है जो कि आपको अपना भाई बता रहा है। तब उस राजा ने उस द्वारपाल से बोला कि जाओ उसे सम्मानपूर्वक राज दरबार में लेके आओ। और वह द्वारपाल गया और साधु को उस राजदरबार में लाया। राजा ने अपने आसन में उसे बैठा कर बोला उस साधु को कि आसन में विराजमान हुई। तब उस साधु ने कहा राजा से, कैसे हो अनुज। तब उस राजा ने कहा, मैं बढ़िया हूँ भैया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं। तब उस साधु ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरा जो पुराना किला था वह भी जर्जर हो गया है, मेरे जो 32 नौकर थे वो भी एक एक करके सब चले गए, जो 5 रानियाँ थीं वो भी वृद्ध हो गई, अब भी वो किसी काम के हमारे नहीं रही हैं। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बताया, राजा ने उस साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। तब उस साधु ने कहा, ये 10 सोने के सिक्के बहुत कम हैं। तब उस राजा ने कहा कि इस बार राज्य में सूखा पड़ गया है, आप इतने में ही संतोष करिए। तब साधु ने कहा कि मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं और तुम्हें मेरे पैर की शक्ति तो पता ही हो गई है, मेरे पैर रखते ही समंदर सूख जाएगा। तुरंत राजा ने 100 सोने के सिक्के उस साधु को देने का आदेश दिया और जैसे ही वो 100 सोने के सिक्के उस साधु को दिए गए, साधु बाबा वहाँ से चले गए। तब बड़े आश्चर्य से जो राजा के मंत्री थे उन्होंने पूछा कि हे महाराज, हमें क्षमा करिएगा, लेकिन आपने उस साधु संत को 100 सोने के सिक्के ऐसे ही दे दिए जबकि मुझे पता है कि आप कोई भी रिश्तेदार, दूर दूर तक कोई भी भाई नहीं है, उसके बावजूद भी आपने 100 सोने के सिक्के उस ठग को दान कर दिए। तब राजा ने अपने मंत्रियों से बोला कि देखो, भाग्य के दो पहलू होते हैं, एक राजा और दूसरा रंग। इस नाते से उसने मुझे भाई कहा और उसके जो पुराना जर्जर जो हो गया था उसका किला, उससे आशा ये था कि वह बूढ़ा हो गया, उसका शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। उसने जो 32 नौकरों की बात कही कि जो 32 नौकर उसके चले गए हैं, उसका मतलब उसके जो 32 दांत थे वो टूट चुके हैं। जो 5 रानियों की बात कर रहा था कि वो वृद्ध हो गए हैं, किसी काम की नहीं रही, वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा था कि वो किसी काम की नहीं रही हैं। उसने इतनी बुद्धिमत्ता दिखाई कि जैसे ही उसने बोला कि हमारे पैर रखते ही देखो तुम्हारा जो राजकोष था वो सूख गया और तुमने मात्र 10 सोने के सिक्के प्रदान किए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप किसी भी व्यक्ति को देख के उसकी बुद्धि का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर उसने गंदे वस्त्र धारण किए हों, अगर उसका शरीर गंदा दिख रहा हो, तो आप उसकी बुद्धि का अंदाजा अपने से नहीं लगा सकते कि वह कितना बुद्धिमान हो सकता है। दोस्तों, कभी भी किसी भी इंसान को जज करना बंद करिए और हमेशा अपने आप को उस जगह रखने की कोशिश करिए कि आप दूसरों से ज्ञान प्राप्त करें। जब तक आप ज्ञान इस दुनिया से लेते रहेंगे, चाहे वो दिखने में कैसा हो, चाहे वह कुछ भी बोलता हो, अगर वो ज्ञान की बातें बोल रहा है तो उसे आप ग्रहण करिए, क्योंकि छोटा छोटा ज्ञान इंसान को महान बना देता है और छोटी छोटी बातें इंसान का जीवन बदल देती हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि छोटी छोटी कहानियाँ इंसान का जीवन बदल देती हैं, तो जहाँ भी आपको कुछ भी अच्छी चीज़ें मिले, ज्ञान की बातें मिले, उसे ग्रहण करिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी और आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसे भी मेंशन करें कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चाहने वालों का। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार मुझ पर बनाए रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।